मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएड सेकंड ईयर में पेडागॉजी ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सभी दस संसाधनों की उपयोगिता। इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे कि जो हमारे सभी दस संसाधन हैं उसकी उपयोगिता क्या है, यानी इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यानी विषय वस्तु को रोचकता लाने के लिए, यानी स्पष्ट ज्ञान देने के लिए, कक्षा के वातावरण को सजीव बनाने के लिए, हम यूँ कहें कि अनुशासन को रोकने के लिए हम इस चीज़ का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उपयोगिता के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वह विषय वस्तु की स्पष्टता में सहायता। पहला पॉइंट है विषय वस्तु की स्पष्टता में सहायता। विषय वस्तु की स्पष्टता में सहायता, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो संप्रेषण उपकरण है उसकी सहायता से हम विभिन्न जो प्राकृतिक जो मानवीय क्रियाएं हैं, या हम यूँ कहें कि जो प्राकृतिक इसला प्रक्रियाएँ हैं, महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है आदि से संबंधित जो सामग्री होती है उसको आसानी से हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान प्रदान करना है या हमें भौगोलिक या प्राकृतिक इसला प्रक्रियाएँ बतानी है तो हम उसको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि उसकी विषय वस्तु कैसी है, पहाड़ नदियाँ कैसे हैं, उसके बारे में हम सूक्ष्म अध्ययन हम छात्रों को करवाएंगे, जिससे जो छात्र हैं उनको विषय वस्तु संबंधित स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो सके। अब हमारा सेकंड पॉइंट है विषय सामग्री में रोचकता का विकास करना। आगे हम देखें कि विशेष सामग्री में हम रोचकता उत्पन्न करने के लिए क्या विकास करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि संप्रेषण उपकरण के द्वारा जो हम अध्यापन की प्रक्रिया में जहां रोचकता उत्पन्न की जाती है तो उसमें जो छात्र है वह आसानी से पढ़ सकते हैं, यानी वह रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें बांध की जानकारी देनी है तो हम बांध की जानकारी देने के लिए हम छात्रों को प्रोजेक्टर के माध्यम से या हम कहें वीडियो के माध्यम से हम छात्रों को जानकारी देंगे, जिससे छात्र उस बांध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि उत्पन्न कर सकें। क्योंकि एक चीज़ हम पाठ्य पुस्तक से पढ़ाते हैं और या हम एक संप्रेषण उपकरण के माध्यम से छात्रों को ज्ञान दें तो वह ज्ञान छात्रों के रुचिकर होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखी हुई चीज़ छात्र कभी भूल नहीं पाते हैं। एक तरफ अध्यापन करवाए अगर हम पाठ्य पुस्तक तो जो छात्र होते हैं वह शीघ्र भूल जाते हैं, पर इसके माध्यम से जो छात्र हैं वो भूल नहीं पाते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कक्षा पक्ष के वातावरण को सजीव व सक्रिय बनाना। कक्षा कक्ष के वातावरण को सजीव और सक्रिय बनाना, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो संप्रेषण उपकरण है उसकी बुद्धिमत्ता उपयोग से हम अध्यापक जो होता है वह कक्षा के जो वातावरण जो निरत हो जाता है, उबाव हो जाता है, वह इस चीज़ का वह उपयोग करता है जिससे जो कक्षा का वातावरण है वह धीरे धीरे
सजीव सक्रिय बनने लगता है और छात्र उसके अंतर्गत छात्र कक्षा में बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें पर्वतों का ज्ञान छात्रों को देना है तो हम मौखिक रूप से तो वह ज्ञान देंगे, परंतु अगर हमें वातावरण अच्छा बनाना है, सजीव बनाना है, तो हम प्रोजेक्टर के माध्यम से या चलचित्र के माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्राप्त करवाएंगे या हम प्रत्यक्ष वहाँ पर ले जाकर छात्रों को ज्ञान प्रदान करवाएंगे, जिससे जो कक्षा का वातावरण है वह सजीव बनने लग जाएगा और छात्र उस चीज़ को आसानी से पढ़ पाते हैं और सावधान होकर जो छात्र है वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो कक्षा कक्ष की वातावरण को सजीव हम इस प्रकार बना सकते हैं जिससे जो अध्यापक है वह उस अध्यापन प्रक्रिया को सरल बनाकर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, स्थाई ज्ञान की प्राप्ति। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, अब हम देखें संप्रेषण जो सामग्री है उसकी सहायता से हम किसी नगर, औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान, वितरण उद्योग या हम कहें किसी राज्य की स्थिति कैसी है उससे संबंधित जो ज्ञान होता है वह अधिक स्थायी होता है, क्योंकि यह ज्ञान कभी इस ज्ञान में कभी बदलाव नहीं हो सकता। जो चीज़ स्थायी है उसकी ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम इसके संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जो बातें होती हैं, उसको हम ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे जब हम छात्रों को यह ज्ञान देते हैं तो छात्र कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं पाता है, उसे इससे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हमेशा बनी रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन चिंता रोकने में सहायक। आगे हम देखें कि अनुशासन हीनता को रोकने में सहायक। परंपरागत ढंग से पढ़ाने पर कक्षा का वातावरण क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है, क्योंकि अगर हम पाठ्य पुस्तक से छात्रों को ज्ञान देंगे तो छात्र उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करते करते वह ऊब जाते हैं और एक दूसरे से दूसरे छात्र जो होते हैं उसे छेड़खानी करने लग जाते हैं और अन्य प्रकार की शरारतें भी करते हैं, जिससे शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह क्या हो जाती है, ठप हो जाती है और संप्रेषण के उपयोग से जो उत्तीर्ण समस्याएँ हैं वह नहीं आ पाती, क्योंकि संप्रेषण का जब हम इस तंत्र का उपयोग करेंगे तो छात्र पढ़ने में रुचि लेता है और वह इस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश भी करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रत्यक्ष अनुभव या अच्छा कथन। छठा पॉइंट है हमारा प्रत्यक्ष अनुभव या अच्छा विकल्प। इसके अंदर हम देखें कि छात्रों को जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसकी जानकारी दी जाती है, यानी प्रत्येक वस्तु को छात्र के समक्ष धकेलना अच्छा नहीं होता है। अगर हम छात्रों को कहेंगे तुम स्टडी करो तो हम उन पर दबाव किसी प्रकार का बना नहीं सकते हैं, परंतु हम संप्रेषण सामग्री के माध्यम से हम छात्रों को जो निरस हुआ वातावरण है उससे हम बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहें तो शिक्षक द्वारा हम अगर धाराओं की उत्पत्ति बतानी है या हमें ज्वार भाटा बताना है या हमें तरंग बतानी है या हमें ज्वालामुखी बतानी है तो हम उसको चलचित्रों के माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिसे छात्र है उस चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हम जब छात्रों को यह ज्ञान देंगे तो वह प्रत्यक्ष उसके सामने प्रस्तुत होता है। अब नेक्स्ट है शिक्षण बिंदुओं का विकास। शिक्षण बिंदु का विकास
आसान है। इसके अंतर्गत हम देखें तो संप्रेषण सामग्री की सहायता से हम निरस्त से निरस्त जो विषय सामग्री है उसको शिक्षक द्वारा आसानी से हम क्रमबद्ध रूप में छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जो शिक्षण बिंदु होते हैं उसके माध्यम से छात्र है स्टेप बाय स्टेप ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आगे हम देखें कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके अंतर कक्षा में जो सभी विद्यार्थी होते हैं वह एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है कोई भी विद्यार्थी है तो कोई देखकर सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है या कोई देखकर सुनकर भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम इसकी पूर्ति हम संप्रेषण उपकरण के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। जो व्यक्ति जिसमें कमजोर है उसको उस चीज में बढ़ाकर हम छात्रों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास के अंतर्गत संप्रेषण जो उपकरण है उनका प्रयोग करने के कारण विद्यार्थी होते हैं वह किसी वस्तु या स्थान व आंकड़ों का निरीक्षण करके या तुलना करके या हम कहें विश्लेषण करके सीख जाता है तथा तथ्यों के आधार पर वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता भी उसके अंदर आ जाती है। इस प्रकार जो छात्र उसके अंतर्गत जो मानसिक शक्तियाँ उनका विकास होने लग जाता है। अब इससे संबंधित आज का आपका क्या कार्य है? बनाए रखें जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।